हे हेलो दोस्तों, गाइस, वेलकम सो बैक टू मच। माय हाँ, वेलकम चैनल। बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई बहुत अच्छी हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है सोमवार, आज है व्रत, प्यास भी है आज तो। आज लिया भजनों का आनंद। आज सोमवार के दिन किए भजन मंदिर में, बहुत अच्छे भजनों का आनंद लिया। तो चलिए दोस्तों, हम पूरे ब्लॉग में दिखाते हैं। आ गए हैं मंदिर से तो अभी थक गए हैं, तो मेरे ब्लॉग में पूरा देखना, आपको भजनों का आनंद लेना दोस्तों। चलिए आपको अपने ब्लॉग में दिखाते हैं। मैंने तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज दोनों दस साथ में पड़ गए हैं, सोमवार और 11। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं अपने। हे गाइस, तो हम आ गए हैं मंदिर में, भोलेनाथ जी के मंदिर में। आज क्योंकि सोमवार है तो मैं कर रही हूँ पूजा। ये देखिए कितनी सारी मक्खियाँ आ चुकी हैं मंदिर में दोस्तों। पूजा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, हम अब सोमवार को व्रत रहते हैं तो हम पूजा कर रहे हैं अभी अभी। मेरे को 5 सोमवार करने हैं तो ये मेरा सेकंड सोमवार है दोस्तों। ये देखिए, तो मैंने दूध चढ़ा दिए भगवान जी को, हर हर महादेव शंभु। मैंने भगवान जी को अच्छे से पूजा पाठ की। ये वो मक्खियां हैं जो हनी में लगी होती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हैं, इनकी वजह से पूजा भी नहीं कर पाई। लेकिन मैं अपनी पूजा चालू रखती हूँ। मक्खियाँ वैसे बोलती नहीं है, उन्हें परेशान नहीं करो। बहुत सारी मक्खियाँ हैं, मुझे डर तो खैर नहीं लगता, पहले डर लगता था। लेकिन मैं एक दो बार पूजा करती रही तो मैंने देख लिया कि वो बोलती नहीं है, तो किसी को भी नहीं काटती हैं वो मक्खियाँ। तो मैंने सबसे पहले इन मक्खियों को शांत करने के लिए भोलेनाथ पर चढ़ाई हनी। हनी को देखते ही सारी मक्खियाँ एक जगह बैठ गई, भगवान जी से लपड़ गई। और मैंने अच्छे से तिलक लगाया भोलेनाथ को और अपना पाठ भी करती रही। मैं सिर्फ रुद्राष्टक करती हूँ, सिर्फ चालीसा भी करती हूँ, तो मैं मंदिर में ही कर लेती हूँ दोस्तों। तो आज दोनों व्रत साथ में पड़ गए थे, 11 भी है आज और सोमवार भी है दोस्तों। मैं बचपन से लेकर अभी तक मैं भोलेनाथ की ही पूजा ज़्यादा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानती, सभी को मानती हूँ। भोलेनाथ को मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, भोलेनाथ की कृपा होंगे, जहाँ भी होंगी इन्हीं की कृपा होगी, क्योंकि इन्हीं के बिना कुछ नहीं होगा। ये जो करेंगे मेरे लिए वो सब बेटर रहेंगे। तो दोस्तों यही है कि देखो मक्खियाँ कैसे अपनी एक जगह सब बैठ गई हैं, हनी को खाने लगी हैं। मैं हनी लेके गई थी एक शीशी में, ये मैंने गुलाल चढ़ाया भगवान को, गुलाल बहुत पसंद है तो मैंने चढ़ाया, हनी चढ़ा दी। तो सारी मक्खियाँ हनी को बड़े प्यार से शांत बैठ के, फिर इसके बाद मैंने पूजन करके भगवान जी की आरती अच्छे से, वहीं पे मैंने ब्लॉग बनाया। सेकंड सोमवार है, आज 11 है। मैंने आज भजनों का आनंद लिया, पूरा ब्लॉग देखा दोस्तों। गाइज, आपको पूरे ब्लॉग में सब कुछ दिखाएंगे हम, हमने क्या क्या किया आज। ये देखिए, आज मेरे कान्हा जी रेड कलर की पोशाक पहने हुए हैं, मैंने इनके चरण छुए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों ब्लॉक में। तो हम आए अपने घर, फिर घर पे की हमने अपने भगवान की पूजा। तो मैं कैसे पूजा करती हूँ अपने भगवान की, ये दिखाती हूँ। तो मैं एक बड़ी सी परात रहती है मेरी स्टील की, तो उसमें सारे भगवान को रखती हूँ, फिर उनकी पूजा पाठ करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, गणेश जी, कान्हा जी, मैं सारे भगवान जी को इसी थाली में रख लूँगी, एक साथ स्नान कराऊंगी अच्छे से। और ये जो भगवान जिस पे बैठे हैं, ये येलो कलर के मंदिर दिख रहे हैं, ये मैंने एक मोबाइल बॉक्स से बनाए हैं। ये तो स्टील का है, मैंने ख़रीदा है दोस्तों। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी, बहुत छोटे हैं,
ये देखिए मैंने इनको भी बिठा लिए, इनके सारे बस्त उतार के इनको भी नहलाएंगे। मैया जी भी बैठ गई हैं, राम राजा भी बैठ गए हैं, सभी को बैठेंगे फिर इनको नहाएंगे। ये देखिए बड़ी देवी जी बैठ गई हैं, मैं इनको लाई थी, इनका भी ब्लॉग बनाई हूँ, आपको देखा होगा आपने, पूरे ब्लॉग में देखना दोस्तों। ये देखिए हम भगवान को, सारे भगवान को परास में रख लिए हैं, अब हम इनको नहलाएंगे, आप देखते रहना, इनको नहा के फिर इनकी पूजा पाठ पूरी करेंगे। ये सिक्का मेरी दादी सास ने दिया था तो मैं इसे पूजा में ही रखती हूँ, क्योंकि उन्होंने पूजा के लिए मेरे पति को 12 सिक्के दिए थे, लेकिन मैं एक ही सिक्का मंदिर में रखे हुए हूँ। ये जो भगवान के लिए सिंहासन है ये दोस्तों मैंने घर पे बनाए हैं, ये मोबाइल, ये छोटा सा डिब्बा है पुट्ठे का, उससे बनाए हैं लड्डू गोपाल को बैठने के लिए। ये देखिए अंदर से ऐसे खाली, ये बड़ा वाला सिंहासन है, ये भी बनाए हैं हम घर पे, सुई धागा से बनाए हैं दोस्तों। अब हम बनाएंगे तो आपको इसका पूरा ब्लॉग बताएंगे। ये देखिए लेस वगैरह भी हमने लगाई है इसमें, यहाँ पे ऐसे रखे रहते हैं, ये सारे भगवान जी बैठे रहते हैं इसी में। ये देखिए ये भी हमने बनाया है छोटे से डिब्बे का, कैसा लगा सिंहासन कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे पास ये राम राजा भगवान जी, इनमें सारे भगवान जी को मैंने स्नान किए और लोटे से जल चढ़ा के सारे भगवान जी को अब बिठाल देंगे अपनी अपनी जगह। ये देखिए कपड़े से पोंछते जाएंगे और बिठालते जाएंगे नहा के, मैं सारे भगवान को नहलाती हूँ रोज अच्छे से, उनको कपड़े से साफ करके सारे भगवान को बिठाल देती हूँ। तो ये जो सिंहासन है ये मैंने ही बनाए हैं, अब बस मुझे शंकर जी के लिए सिंहासन बनाएंगे हम गोल आकार का, तो हम दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाते हैं शंकर सिंहासन घर पे। सबको तिलक लगाएंगे, हल्दी चावल रोरी सब कुछ लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे भगवान को। क्योंकि आज दोनों व्रत हैं तो थोड़ा टाइम भी पूजा में लगता है, तो मैंने सभी को तिलक लगाया भगवान को, सभी को चावल चढ़ाए, फूल मूल भी चढ़ाएंगे, इसके बाद आरती करेंगे, हवन करेंगे, उनका बेलपत्र भी थे तो बेलपत्र भी चढ़ा दिए शंकर जी को, ये समय पत्र भी चढ़ा दिया, ये मैया को पुष्प अर्पण किया। ये देखिए जितने भी फूल थे भगवान को सभी को चढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो नहला भी दिए भगवान को अच्छे से। चलिए दोस्तों अब भगवान की करते हैं आरती, तो मैंने की भगवान की आरती। इधर मेरी लाइट थोड़ी अलमारी की वजह से इधर आ नहीं पाती है भगवान के पास। ये देखिए मैंने भगवान की गाई आरती, मैं गणेश जी की आरती गाई आज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एक देवी जी की आरती भी गाती हूँ, लेकिन आज गणेश जी की आरती गा के ही भगवान का पूजन किया। मेरा ये काम हो जाता है पूजा पाठ तो सबसे बड़ा काम हो जाता है मेरे लिए, तो मैंने भगवान को आरती आज बन कराया, आरती दी। ये प्रसाद में केला लगाया भगवान को, बहुत गर्मी लग रही है। ये देखिए दोस्तों हम रोज शंख बजाते हैं, शंख बजाएंगे
मैं रोज़ पूजा में शंख बजाती हूँ जितनी बार मेरे से बजता है, क्योंकि मेरे से शंख नहीं बजता है दोस्तों। वैसे काम चलाने के लिए बजाती हूँ, रोज़ बजाऊँगी तो सीख जाऊँगी। घर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, क्षमा मांगी, जैसी भी पूजा आई कर देती हूँ। महाराज की जय, झरफ लला की जय, बागी सुरवाला की जय, होली की जय, अपने नाथ प्रताप। चलिए दोस्तों, जय सब चंदन की जय, जय जय लेकर चलते हैं हम अपने हर महादेव शंकर। हे परमात्मा सबकी लाज राखी, भगवान सबके संकट दूर करो। हे भोलानाथ, हे जगत के पालनहार, हमसे किसी का बुराना ना, किसी से हमारा ही जगत को पालन। ये देखिए तो मैंने भगवान से अपने आरती ली, सबकी लाज राखे, संसार भी तैयार हो गए। चलिए अब चलते हैं तुलसी मैया की पूजा करने। सीताराम हर हर, इधर आए हमने अपनी तुलसी मैया की भी हम रोज पूजा करते हैं, तो इधर हमने तुलसी मैया को जल दिया, हल्दी चावल चढ़ाए। प्रणाम किया भगवान को, केली भी हम लगाए हैं बगल में, तो केली को भी जल चढ़ाते हैं, समी पत्र को भी जल चढ़ाते हैं। तो समी पत्र के ही नीचे शंकर जी रखे हुए हैं, तो उनकी भी पूजा करते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, हमारी पूजा हो गई है, हम आए हैं इधर अंदर, तो इधर पति देव बैठे हुए थे नाराज, तो हमने उनको किया थोड़ा परेशान। वीडियो के सामने से तो और परेशान करते हैं। चलिए तुम्हें तो सब पोजीशन चाहिए ना, हंस गए। स्माइल दे दे, हंस जाओ। ओहो क्या बात है, थोड़ी सामने तो रखी थी मलाई दोस्तों, तो मलाई में डाली मैंने बर्फ, इस तरह से घी निकाला मलाई का। ये देखिए मलाई का घी कितने आराम से निकल आता है, गर्मियों में ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। तो सारा घी निकाल लेंगे मलाई का। बहुत सारे काम रहते हैं दोस्तों घर में। जब तक ये बर्फ पिघल ना जाएगी तब तक इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे, इसका सारा घी निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बर्फ पिघल गई है मेरी सारी। इसमें ठंडा पानी डालते जाए, ठंडा पानी एक कढ़ाई में निकाल लेंगे सारा घी। ये देखिए, गर्मियों में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आराम से निकल आती है। इधर हम आए हैं मंदिर में, प्यास है प्यास, तो आज गाएंगे भजन। यहाँ हो रहे थे बढ़िया भजन, भजन गाए कुछ बढ़िया भजन किए भगवान के, सभी लोगों ने साथ में किए दोस्तों। ये दीदी बहुत अच्छी मजाक कर रही थी, ये सभी अच्छा लग रहा है। अब हम सब ठीक है, भगवान के तो पापरन नहीं लगे, ठीक है तो औरतें जैसे सुबह को पापरन को सुबह में मैं तो भजन रिकॉर्ड कर रही हूं, उन्हें शर्म लग सके इनकी बात है। बहुत अच्छी दीदी है, बंदे बस कब उतार रहे हैं हमें पापरन का, वो भगवान जो केवला को तो सलाम है ऊपर नहीं डाल, क्योंकि मैंने अंकल नहीं लाल बढ़िया है बच्चे। सभी
बना रही हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों तो इतना ही, बस मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।